हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। चले आज बात करते हैं हम जीएसटी, जो अपना टीवाई बीकॉम का लेक्चर हो रहा है उसका अगला चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। अब बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है जीएसटी के ऊपर, उसका कुछ रीजन था। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मंथ में एग्जाम्स होंगे और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार रिटर्न एग्जाम होंगे, बट जैसा सिचुएशन है आज का, आपका तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि एमसीक्यू टाइप ही होगा क्वेश्चन, तो उस हिसाब से ऐसा मुझे लगा कि ज्यादा डिटेल में हम पढ़ रहे थे तो मुझे हमको कुछ ठीक लगा नहीं, इसलिए मैंने ये नहीं किया दादा ने, बट बहुत तो रिक्वेस्ट आने लगे सर अपलोड करो। मैंने सोचा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता मैं ट्राई करूंगा जितने हो सकते अपनी तरफ से अपलोड करने की। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे स्क्रीन में दिखता होगा आपको टाइम ऑफ सप्लाई, ये टाइम ऑफ सप्लाई में इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो। जैसे कि फिर हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। देखो टाइम ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत किए थे, हमने पढ़े थे सप्लाई का मतलब क्या होता है, राइट। अब आपको सप्लाई का मतलब तो पता चल गया है, बट ये चैप्टर में हमें ये करना है कि टाइम क्या होगा सप्लाई का। इट मीन्स अगर एक बार आपने टाइम डिसाइड कर लिया, समझो मैंने एक गुड्स को सेल किया है, ठीक है, गुड्स को सेल किया है, अब वो गुड्स का दो डेट है या तीन डेट है, मैंने यहाँ पर इनवॉइस रेस किया, यहाँ पर मैंने पेमेंट किया, ठीक है, यहाँ पर गुड्स का डिलीवरी किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों डेट में समझो ये मई मंथ में हुआ, ये जून मंथ में हुआ, जुलाई मंथ में, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई तुम ये तो कर रहे हो, तो मेरा काम क्या है कि ये सब में से कौन से टाइम पे मैं से सप्लाई मांगू। अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से टाइम पे इसको मैं सप्लाई मांगू। ये भी हो सकता है डेट, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि वही डिसाइड करना है कि कौन से टाइम पे इसे सप्लाई माना जाए। अगर एक बार इसका सप्लाई डेट फिक्स हो जाता है तब जीएसटी का लायबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने, एक बार उसका सप्लाई डेट फिक्स हो जाता है तब जाके उसका जीएसटी का लायबिलिटी आ जाता है और उसे उस हिसाब से जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। यहां तक तो बात क्लियर है। टाइम ऑफ सप्लाई इज नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम डिसाइड कर रहे हैं जिस दिन सप्लाई माना जाएगा, और एक बार उसे सप्लाई माना गया तो उसका मतलब है उसका जीएसटी पे करने की बारी स्टार्ट होगी। तो ये हुआ टाइम ऑफ सप्लाई का मीनिंग के बारे में। तो देखिए इसके अंदर इतना सारा डिटेल्स है, एक बार आपको पढ़ना आपका काम बनता है, ठीक है, ये पढ़ना आपका काम बनता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू में क्या दिया है, हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं बता दूं हम फर्स्ट जो बात करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, गुड्स के बारे में। सेकेंड हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एंड थर्ड हम बात करेंगे चेंज इन द टैक्स रेट। चेंज इन टैक्स रेट, जिस दिन टैक्स रेट बदलता है तो वो रेट के हिसाब से, मतलब उस टाइम पे कौन सा रेट लिया जाए वो डिपेंड करता है, वो आगे जाके आपको समझेगा, अभी फिलहाल तो इसको शॉर्ट में याद रखना। ये चीजें ये सेक्शन 12 में कवर होती है, ये सेक्शन 13 में कवर होती है, और ये सेक्शन 14 में कवर होती है। ऐसे करके ये चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ओके, अब क्या है कि टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, सेक्शन 2 है, तो अच्छे से देखना ये चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में देखना है हमें, वो भी किसके, गुड्स के रिलेटेड। अब ये जो सेक्शन 12 में दिया गया है,
यहाँ पर देखो आपको पता है सेक्शन 12 में इन लोग ने क्या किया है, बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में भी हम क्या पढ़ने वाले वो मैटर करता है, ठीक है। हम उसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई कब हो जाएगा, मतलब टाइम अपने को डिसाइड करना है कि सप्लाई किसे कहा जाएगा, कौन से टाइम पर सप्लाई कहा जाएगा, कौन से डेट में से सप्लाई माना जाएगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। तो फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी वाउचर इश्यू किया जाता है, वाउचर पता है ना आपको, कहीं पर मॉल वॉल में गए होंगे, कोई भी कुछ चीजें शॉपिंग करी होगी तो उसमें आपको वाउचर्स मिलते हैं, बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, आजकल मोबाइल वाउचर्स भी होते हैं, राइट, गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के वाउचर्स होते हैं, कुछ जनरल वाउचर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो वाउचर के बारे में हम पढ़ने वाले हर एक चीज जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, राइट, और रेसिडुअल केसेस, अगर ऊपर वाले केसेस में कवर नहीं होता है तो वो रेसिडुअल केसेस में कवर हो जाता है। तो अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा, और सेम केस ये सर्विस में भी है, कुछ अलग नहीं सर्विस में भी सेम ही दिया है उन्होंने, बट हम आज जो बात करने वाले ये गुड्स वाला पार्ट होगा, ठीक है। अब गुड्स वाला पार्ट में आगे बढ़ता हूं मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई किसका, गुड्स। अब ये किस में लिखा गया, इस सेक्शन 12 में लिखा गया। अब सेक्शन 12 में बहुत सारे सेक्शंस हैं, छोटे मोटे सब सेक्शंस से बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो देखते हैं हम ज्यादा डिटेल में। तो यहाँ पर जो है कुछ टाइम क्राइटेरिया दिया गया, वो टाइम ये जो है, अगर कोई भी गुड्स, देखो हमें अब फर्स्ट क्या करना है, इसमें भी बहुत सारे चीज हम पढ़ने वाले, राइट, अभी जैसे बात किया फॉरवर्ड चार्ज, फिर रिवर्स चार्ज, फिर इसके बाद में वाउचर्स का भी कुछ पढ़ेंगे हम, राइट, उसके बाद में रेसिडुअल कैटेगरी में जो आते हैं वो, मतलब है बहुत सारे चीजें पढ़ने लायक। चलो तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड चार्ज के बारे में। फॉरवर्ड चार्ज में कब डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा गुड्स के लिए, अब फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल को मैं समझाऊंगा अच्छे से, ये सेक्शन किसके बारे में बात करता है, टेबल सेक्शन 31 के बारे में बात करता है, किसके बारे में बात करता है, ये सेक्शन 31 के बारे में बात करता है, वो क्या होता है आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। चलो सबसे पहले सेक्शन 12 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्सेस। यहां पर जो है सेक्शन 12 में क्लियरली कर दिया, जो फॉरवर्ड चार्ज मतलब फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, फॉरवर्ड और नॉर्मल चार्ज जिसे बोलते हैं हम लोग, दूसरा उसका नॉर्मल चार्ज, ये क्या होता है, सप्लायर होता है एंड रिसिपियंट होता है, ठीक है। सप्लायर ने गुड्स बेचा इसको और रिसिपियंट ने पे किया, ठीक है, ये नॉर्मल भी पे करेगा प्लस जीएसटी भी पे करेगा। सप्लायर का काम क्या होता है, जीएसटी लेके किसको भरो, गवर्नमेंट को जाके भरो, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज में कौन भरता है जीएसटी, ये जीएसटी भरता है रिसिपियंट। तो ये दोनों केस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो 12 सेक्शन 12 में हम पहले जिससे बात करने वाले फॉरवर्ड चार्ज, फिर रिवर्स चार्ज, ये ऑलरेडी मैंने बात कर लिया, आगे बढ़ते। तो सबसे पहला आता है सर पॉइंट, आता है फॉरवर्ड चार्ज वाला, किसका आता है, फॉरवर्ड चार्ज का पॉइंट आता है। तो फॉरवर्ड चार्ज में जब नॉर्मल कंडीशन होगा, सप्लायर सप्लाई करेगा, रिसिपियंट पे करेगा और उसका जो अमाउंट मिलेगा इसको, उसमें से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को कौन भरेगा, सप्लायर भरेगा, ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज। तो फर्स्ट फॉरवर्ड चार्ज वाला कंडीशन फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, तुमको जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड चार्ज चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, वाउचर का केस चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया दिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया दिया था पहले, अब उसको चेंज करके उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन लेके आया। देखिए मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, जब ओरिजिनल प्रोविजन था, ओरिजिनल मतलब यह अब नहीं रहा,
अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। क्या किया गया, इसको रिवाइज कर दिया गया। ओरिजिनल सिचुएशन में क्या किया था, तीन पार्ट थे। क्या किया था, तीन पार्ट थे। तीन पार्ट में क्या था, जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे, क्या कहा मैंने, जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे, इनवॉइस इशू का डेट, ठीक है। सेकंड, जब भी आप इनवॉइस इशू करोगे, इनवॉइस इशू का डेट, और सेकंड आता है इनवॉइस इशू एज पर सेक्शन 31, ठीक है। मतलब इनवॉइस आप कब इशू कर रहे हो एक्चुअली, वो डेट, और प्लस इनवॉइस इशू करना चाहिए एज पर सेक्शन 31। देखिए मैंने क्या कहा आपको कि आपको 10 तारीख तक आना है, ठीक है, पार्टी है, 10 तारीख तक आपको आना है। ये हो गया, मैंने आपको डेट दिया, ये इनवॉइस इशू एज पर 31 है, मतलब एक ड्यू डेट दिया गया है कि ये डेट तक तो आपको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। और सेकंड क्या है, इनवॉइस इशू कब किया वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, वो 10 से पहले भी हो सकता है, वो 10 के बाद भी हो सकता है, क्लियर है। तो इनवॉइस इशू डेट एंड इनवॉइस इशू एज पर सेक्शन 31, ये दो का डिफरेंस समझा आप। और नेक्स्ट, आप पेमेंट कब रिसीव करते हो, मैंने क्या बोला, आप पेमेंट कब रिसीव करते हो सामने वाले से, रिसिपिएंट से, पेमेंट रिसीव्ड कब करते हो, ठीक है। सामने वाला जो आपको पे करेगा, आपने सप्लाई किया गुड्स, राइट, तो आप पे करोगे उसको, सॉरी वो आपको पे करेगा, तो वो कब करते हैं। देखिए पहले जो है ओरिजिनल प्रोविजन ऐसा था, ऐसा प्रोविजन था, तो क्या हुआ ना, अभी समझो मैंने इनवॉइस इश्यू 1/10/2020 को किया है, ठीक है, और एक्चुअली इशू कितना होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 31/10/2020, ठीक है। और पेमेंट एक्चुअली जो हुआ है ना मेरा 25th अक्टूबर है ना, तो हम एक पीछे जाते हैं, सितंबर में चले जाते हैं, 9/2020। देखो ये केस होगा, तो पहले कैसा था, विच एवर इज अर्लियर था, क्या बोला मैंने, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई उसे बोला जाएगा। तो तुम्हारा इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन ये बनेगा कि सामने वाले को बोलना पड़ेगा विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर मतलब 25th आया, पहले वाला कौन है, 25th September 2020 आया, तो ये बनेगा मेरा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज सिस्टम, ठीक है। ये सिंपल चीज है, हमें सिर्फ यहाँ पर डेट डिसाइड करना है, डेट डिसाइड करके पूरा चैप्टर में देना है कि ये डेट पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाए, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है अमाउंट के साथ, ठीक है। तो ये पहले वाला सिचुएशन था, सिचुएशन बदल गई, अभी सिचुएशन बदल गई क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखो ये जो है निकाल दिया गया, पेमेंट निकाल दिया गया, ये डेट को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया सर, क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ उसमें, इसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ऐसा हो गया, मैंने इनवॉइस तो इशू अक्टूबर में किया और इनवॉइस इशू करना चाहिए 31, बट सामने वाले मेरे को पेमेंट पहले ही दे दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, एडवांस बोला जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एडवांस, एडवांस में मैंने पेमेंट रिसीव किया सामने वाले से, तो एडवांस में पेमेंट रिसीव किया तो अगर एक महीने पहले पैसा मिल गया तो आपको जीएसटी उस पर भरना पड़ेगा क्योंकि वही टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाएगा। अगर एक बार वो टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाएगा तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा, एक बार आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगा तो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा उस हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था लोगों को, प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी पहले से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। अगर समझो मैंने किसी से एडवांस लिया है 1000 का, ठीक है, एडवांस लिया 10,000 का लिया, ठीक है, और वो एडवांस में मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है एज पर ये टाइम ऑफ प्रोविजन के हिसाब से, टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, ओल्ड ओरिजिनल जो था पहले, राइट। तो उसमें अगर मैं 100 रुपए जीएसटी भर दिया, अब समझो इन केस कुछ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया था हमने, जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो कैंसिल हो गया कुछ रीजन के वजह से, अब ऐसे टाइम पे मुझे ये बताओ, अगर रीजन की वजह से कैंसिल हो गया, ये तो गवर्नमेंट को जीएसटी चले गए, तो मुझे फिर से मगजमारी करना पड़ता था कि ये फिर से 100 का रिफंड क्लेम करे, समझा, इसको रिफंड क्लेम करना पड़ता था मुझे गवर्नमेंट के पास जाके, थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा,
गुड्स, ये स्पेसिफिकली गुड्स वालों के लिए, क्या मैंने क्लियरली बोला है गुड्स वालों के लिए, सर्विस वालों के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गुड्स वालों को प्रॉब्लम था, इश्यू था ये, तो ऐसे टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया, रिवाइज किया उसे, रिवाइज किया, रिवाइज में ये पेमेंट हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, मतलब अभी कोई भी एडवांस में पेमेंट आ जाता है तो उस पर कोई अपने को लेने की जरूरत नहीं है। तो एज पर नया प्रोविजन है, नया प्रोविजन में हमें सिंपल सा चीज बता रहा है, वो बोलता है कि भाई दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, कुछ ने आपको इनवॉइस इशू करना है, इनवॉइस इशू डेट देखना है, और क्या करना है आपको, इनवॉइस इशू करेंगे एज पर सेक्शन 31। ये सेक्शन 31 बीच में क्यों आया, वो बोलना चाहता है जो आप इनवॉइस इशू कर रहे हो ना, ये इनवॉइस जो इशू कर रहे हो ना, वो टाइमली इनवॉइस इशू कर लिया करो, टाइमली मतलब अगर ये टाइम पे इशू नहीं होगा तो इसको नहीं देखा जाएगा, किसको देखा जाएगा, इनवॉइस इशू एज पर सेक्शन 31 को देखा जाएगा। समझा मैंने क्या बोला आपको, टाइम होता है, टाइमली गवर्नमेंट ने बोला भाई ये इनवॉइस को तुम इशू कर दो, राइट है, इनवॉइस को इशू कर दो, बट आपने वो टाइम पे इशू नहीं किया तो इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा उस टाइम पे, उस टाइम पे किसको लेकर आएंगे, इनवॉइस इशू एज पर सेक्शन 31 के हिसाब से आपको ध्यान देना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो मेन अपने ये क्रक्स बनता है, मेन पॉइंट क्या बना कि इनवॉइस इशू जो डेट पे हो रहा है वो, और इनवॉइस इशू करना चाहिए था सेक्शन 31 के हिसाब से वो डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, राइट, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मैंने ये 31/10/2020 को इनवॉइस इशू किया है और एक्चुअल में उसको 25th October 2020 को करना चाहिए था, तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर ये बना। अगर इनकेस ये 31 के जगह पे अगर मैं बोलता ये 20 होता तो विच एवर इज अर्लियर ये बन जाता टाइम। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या चलो, तो मैंने जो कहा पेमेंट को हटा दिया गया, राइट, मैंने क्या कहा पेमेंट को हटा दिया गया, ये जो हटाते वक्त है ना, ठीक है, ये हटाते वक्त वो कैसे हटाया गया, नोटिफिकेशन के थ्रू हटाया गया, किसके थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू हटाया गया, नोटिफिकेशन 66/2017 ऐसा नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन के बेसिस पे इसको हटा दिया गया। अब दो, सिर्फ दो ही देखा जाता है, ये दो को देखा जाता है और इसी में से डिसाइड किया जाता है क्या होगा अपना टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखते, चलिए जैसे कि यहाँ पर 2.4 में लिखा हुआ है, फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी प्रोविजन डिस्कस किए, तो ये ओरिजिनल प्रोविजन था जो अभी यहाँ पर पेमेंट भी था विच एवर अर्लियर था, तो इसको अभी स्क्रैप कर दिया गया है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन लाया गया, ठीक है, नोटिफिकेशन 66/2017 जहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि जो सेकेंड पार्ट था उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो नोटिफिकेशन है किसको एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू कंपोजिशन लेवी जो स्कीम में बेनिफिट ले रहे हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर कवर किया था कंपोजिशन लेवी, वो स्कीम में अगर कोई बेनिफिट ले रहा है तो उसको ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो जो है उसका कोई इनवॉइस रेज नहीं करता है कंपोजिशन लेवी स्कीम वाला बंदा, वो क्या करता है डायरेक्टली जीएसटी पे कर डालता है, ना किसी से जीएसटी कलेक्ट करता है, वो एक फिक्स परसेंटेज पे क्या करता है, पे कर डालता है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही सब एक्सप्लेनेशन है जो अभी मैंने आपसे किया, ठीक है, कि डेट ऑफ एडवांस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, क्या ये डेट ऑफ एडवांस जो होता है इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ आपको क्या देखना है एक्चुअली आपने कितने बिल किया और ड्यू डेट क्या है उसका, ड्यू डेट मतलब जो सेक्शन 31 बात करता है, चलो वो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, क्या है क्या नहीं, ठीक है, अभी अपने को डिटेल में पढ़ना है सेक्शन
31 देखो, सेक्शन 31 क्या है। अब इसको डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है कि ये सेक्शन, देखो बेसिक प्रोविजन बना लेते हैं हम लोग यहां पर, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज में प्रोविजन क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या है, किसका, टाइम ऑफ सप्लाई का। तो उसमें है, फर्स्ट पॉइंट आता है डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, जिसे हम एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस भी कहते हैं, एक्चुअल डेट जो होता है, ठीक है, वो डेट सामने रखो। और सेकंड, डेट ऑफ इनवॉइस टू बी, मतलब इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लिख देता हूं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ये कौन बताएगा अपने को ड्यू डेट, ये सेक्शन 31 बताएगा अपने को ड्यू डेट क्या है, ठीक है। जो भी आएगा सेक्शन ड्यू डेट, वो बनेगा आपका अर्लियर, जो अर्लियर डेट है, विच एवर इज अर्लियर, उसे क्या कहा जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो कोई भी इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो अर्ली आएगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई का डेट माना जाएगा। अब बात करते हैं ये सेक्शन, ये ड्यू डेट। सर ये एक्चुअल डेट तो समझ में आता है, जिस दिन इनवॉइस इशू किया है उसी को एक्चुअल डेट बोला जाएगा, बट ये क्या है जो ड्यू डेट बोल रहा है इनवॉइस का। देखो एक्चुअल जो इनवॉइस आप इशू करोगे वो लेट भी इशू कर सकते हो, जल्दी भी इशू कर सकते हो। तो आप बोलोगे किससे लेट करना है भाई, वही तो डेट होगा जिससे लेट बोल सकते हम, तो वो यही डेट है ड्यू डेट। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो है टैक्स पे करने का डेट, टैक्स पे करने का डेट है 20 अक्टूबर 2020, ये डेट है, तो ये बना आपका ड्यू डेट। या फिर सब लोग को बोलते हैं एडवांस टैक्स भरने का 31 मार्च 2020 में आप एडवांस टैक्स भर दो, लास्ट डेट है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट होता है ना सबका, राइट। अगर इसके ऊपर चला गया तो इंटरेस्ट लगता है, अगर इसके अंदर भर दिया तो वेरी गुड, फाइन, कोई इशू नहीं, तो इसे ड्यू डेट कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ड्यू डेट दिया गया। अब ये ड्यू डेट जब बात होती है ना, तो ये ड्यू डेट को ना तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, ड्यू डेट को किस में डिवाइड किया गया, तीन पार्ट में, ठीक है। वो पार्ट कौन सा है, एक तो जो नॉर्मल सप्लाई होता है, नॉर्मल सप्लाई गुड्स, ठीक है, नॉर्मल गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और सेकंड होता है कंटिन्यूअस सप्लाई, ठीक है, नॉर्मल गुड सप्लाई और एक कंटिन्यूअस सप्लाई। थर्ड होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, क्या कहा मैंने, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो ये बना तीन टाइप के कंडीशंस। मैं सीधे साइड में लेके जाता हूँ आपको, जहां पर प्रोविजंस ऑलरेडी दिए गए हैं वो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा और टाइम भी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर, ठीक है, तो मैंने अभी क्या बात किया, मैंने ये देख लिया डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 किसे बोला जाएगा, गुड्स नॉर्मल सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। तो जब नॉर्मल सप्लाई होगा, याद रखना कोई गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पर मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं वो देखना चाहिए। मतलब कोई गुड्स को अगर बेचते हो तो मूवमेंट होना चाहिए उसमें। मूवमेंट का मतलब होता है, अगर मैं बोलता हूँ ये पेन बेच रहा हूँ, तो पेन जिस दिन बेचूंगा तो सामने वाले इसको लेकर घर पे चला जाएगा, मूवमेंट है इसके अंदर, राइट है। कोई प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो मूवमेंट नहीं होता भाई, प्रॉपर्टी हिलता नहीं, एक ही जगह पे रहता है, सामने लोग आना पड़ता है। या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करता हो, राइट है, फैक्ट्री में इंस्टॉल करता हो, तो वो फिक्स्ड बोला जाता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक बार वहां पर रख दिया तो रख दिया, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब एक गुड्स को मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब फर्नीचर बेच रहा हूँ, ठीक है, फर्नीचर अगर मैं थाने में बैठ के अंधेरे में फर्नीचर बेच रहा हूँ तो वो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, क्लियर है। एंड एनी अदर केस, अगर जिसमें मूवमेंट नहीं होगा गुड्स में, तो उस टाइम पे क्या ड्यू डेट आएगा, याद रखना, जब मूवमेंट होगा गुड्स में तो बिफोर और एट द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो मेरा शॉप है, शॉप में फर्नीचर है, ठीक है, फर्नीचर जिस दिन शॉप से निकलेगा, रिमूव होगा,
तो उस दिन वो मूवमेंट ऑफ द गुड्स है, मतलब गुड्स मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो गुड्स शॉप से जैसे निकलेगा तो वो मेरे लिए क्या बनेगा, डेट ऑफ ड्यू डेट बन जाएगा। मतलब जिसमें मूवमेंट होता है उसमें अपने को क्या देखना पड़ता है, रिमूवल ऑफ गुड्स को जो डेट पे निकाला गया रहेगा वही डेट क्या बन जाएगा, इसका ड्यू डेट बन जाएगा। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मैंने गुड्स, गुड्स का जगह मैं फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर यार, फर्नीचर फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर को मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। सेल करते वक्त एक तो मैंने इनवॉइस दे दिया उसके हाथ में, भाई लो तुम्हारा इनवॉइस, इनवॉइस बना 31 मार्च का 2020 का इनवॉइस दे दिया उसके हाथ में, ठीक है। और उसको गुड्स जो है रिमूव करना था 31 जनवरी में रिमूव करना था। मेरे को ये बताओ ड्यू डेट कभी है उसका, रिमूवल है, ये रिमूवल है और ये इनवॉइस डेट है, ये रिमूवल है। तो मेरे को बताओ ये क्या बोलता है, नॉर्मल सप्लाई है, मूवमेंट है इन्वॉल्व, तो मैं दो डेट देखूंगा। सेक्शन 31 क्या बोलता है कि जो रिमूवल डेट होता है वो डेट बन जाएगा मेरे लिए डेट ड्यू डेट, और एक्चुअल इनवॉइस किधर इशू किया है वो बनाइए, ये सेक्शन 31 बोलता है और ये नॉर्मल जो 12 सेक्शन बोलता है, राइट। ये दोनों में से हमको क्या करना है, व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर, क्या बोला मैंने, व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये बना तुम्हारा व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट है। तो ये समझा आपको, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेट ऑफ रिमूवल बन जाएगा इन केस ऑफ डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है। ये इन केस ऑफ मूवमेंट जिसमें होता है गुड्स में उसको बोलते हैं डेट ऑफ रिमूवल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अदर केस में क्या है, बिफोर और एट अ टाइम ऑफ, देखो अदर केस मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं है गुड्स का, बिफोर एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब मैं प्लांट एंड मशीनरी क्या कर रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी में क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और वो प्लांट नॉन मूवेबल, नॉन मूवेबल बोलते हैं इसको, मतलब वो मूव नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं आता है। तो मेरा काम क्या बनता है, उनके फैक्ट्री में जाके पूरा प्लांट एंड मशीनरी को क्या करना है, उधर इंस्टॉल करना है और फिक्स करना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे इसको नॉन मूवेबल गुड्स बोला जाएगा। इसका इनवॉइस डेट जो इनवॉइस इशू किया रहेगा वो तो लेना ही है कंपैरिजन करने, और प्लस याद रखना उसका ड्यू डेट क्या बनेगा, ड्यू डेट वो डेट बनेगा जिस टाइम पे उसको डिलीवर किया गया, डिलीवर मतलब कस्टमर के सामने जाके रखा गया, कस्टमर आएगा या फिर आप जाओगे, दोनों में से एक ही होगा। तो कस्टमर आपके पास आके कोई गुड्स लेकर जाता है प्लांट एंड मशीनरी, तो डिलीवर हो गया, और या फिर हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी वहां पर जाके मैंने इंस्टॉल किया और मेक अवेलेबल करवाया किसको, कस्टमर को, तो उनको जहां इंस्टॉल हो गया उसके बाद से वो यूज कर पाएगा कस्टमर, उसको बोलते हैं मेक अवेलेबल करना गुड्स को, राइट, रिसिपिएंट को। तो ऐसे टाइम पे वो ड्यू डेट माना जाएगा जिस दिन डिलीवरी किया या फिर मेक अवेलेबल कर दिया। तो ऐसा करके क्या किया जाता है, अपना नॉर्मल सप्लाई का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपना कंटिन्यूअस सप्लाई। चलो मैं कंटिन्यूअस सप्लाई के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस सप्लाई किसे बोला जाएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई एक ऐसा सप्लाई होता है जहां पर रिकरिंग नेचर का, या बोल सकते हो आपको टेलीफोन, टेलीफोन जो आप जियो कार्ड, एयरटेल कार्ड यूज करते होंगे, राइट, मोबाइल सर्विस यूज करते होंगे, तो मोबाइल सर्विस में क्या होता है, आपको सर्विस कंटिन्यूस दिया जाता है, राइट, कंटिन्यूस मिलता है आपको सर्विस, एक बार पे करते हो आप विद इन अ पर्टिकुलर टाइम, जैसा आपका उसका वैलिडिटी खत्म होता है, या फिर हो सकता है उसका बैलेंस खत्म हो जाए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म हो जाए, तब आपको क्या करना पड़ता है, उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो कंटिन्यूस सप्लाई भी ऐसी कुछ है जो कंटिन्यूस मोर देन 3 इयर्स अगर देते हो आप, 3 मंथ्स देते हो, तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारे चीजें होती है जो कंटिन्यूसली क्या होता है, हो सकता है अगर मान के चलो गुड्स है, मैं गुड्स का एग्जाम्पल दिया, ये सर्विस का एग्जाम्पल है, राइट, आगे जाके आपको गुड्स का भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो समझो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर है सामने, अपन क्या है सप्लायर है, उसको सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, अभी कंटिन्यूस बेसिस पे उसको गुड्स जाते रहता है,
अभी फर्स्ट टाइम गया समझो मानो क्वांटिटी 10 क्वांटिटी उसको क्या कर दिया मैंने बेचा, फिर क्वांटिटी 20 बेचा, फिर क्वांटिटी 30 बेचा, ऐसा बेचते जा रहा हूँ और बीच बीच में पेमेंट भी रिसीव करता हूँ उसके। हो सकता है पूरा पेमेंट आता हो या फिर हो सकता है बैलेंस पेमेंट बाद में करता हो, या फिर अपन क्या करते हैं ये पूरा स्टेटमेंट उसको बेचते। देखो यहाँ पर क्या लिखा है याद रखना, यहाँ पर लिखा है वेर सक्सेसिव स्टेटमेंट और अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व। बोलना ये चाहता है कि कंटिन्यूस सप्लाई में याद रखना कि दो पार्टी के बीच में कंटिन्यूस सप्लाई तो होता ही है, पर ऐसे टाइम पे दो चीज होगी, या तो सप्लायर क्या करेगा उसको अकाउंट स्टेटमेंट भेजता रहेगा हमेशा, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, एक महीने के बाद अकाउंट स्टेटमेंट भेजा, या फिर दो महीने के बाद अकाउंट स्टेटमेंट भेजा, या फिर क्वार्टरली उसको अकाउंट स्टेटमेंट भेज रहा है। अकाउंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि मैंने कितना गुड्स देखो बेचा अभी तक, वो डिटेल्स होगा उसके अंदर, कितना अमाउंट तेरे से आना बाकी है वो उसका डिटेल्स होगा। तो अकाउंट स्टेटमेंट जब भेजा होगा या फिर पेमेंट भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसा मैंने बोला बिल का भी अपना क्या होता है 3-3 महीना का वैलिडिटी खत्म हो गया हम क्या करते हैं मोबाइल फिर से रिचार्ज करते हैं राइट है, तो पेमेंट होता है अपनी तरफ से। तो ये दो चीजें बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट इशू करते होंगे ठीक है, तो वो डेट को क्या बोला जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस बोला जाएगा जिस टाइम पे हम स्टेटमेंट इशू करते हैं। देखो अभी आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मालूम नहीं, बट हम जब सम्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया आएगा, क्लियर व्यू आएगा। एक बार हम शॉर्ट में इसको समझ के लेंगे फिर उसके बाद में सम्स पे जल्दी जाएंगे ठीक है। तो कंटिन्यूस सप्लाई में दो ही चीज है कि भाई इनवॉइस डेट जो होगा वो लो, या फिर अकाउंट स्टेटमेंट कब इशू कर रहे हो वो डेट ले लो, या वो भी नहीं होगा तो पेमेंट डेट कब वो ले लो। जैसा मैं एक शॉर्ट में इधर बताता हूँ, एक तो इनवॉइस डेट ये तो आना चाहिए नॉर्मल प्रोविजन, अब ड्यू डेट किसको बोलेंगे, ड्यू डेट किसको बोलेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूस में, या तो अकाउंट स्टेटमेंट आप जिस टाइम पे इशू करते हो उसी डेट को ड्यू डेट मानो, या फिर आप पेमेंट रिसीव करते एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी डेट को आप मानो, दोनों में से एक मान लो, तो एक अगर अकाउंट स्टेटमेंट इशू करते हो तो इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर माना जाएगा ठीक है। और लास्ट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये अप्रूवल बेसिस क्या होता है, अगर मैंने कोई गुड्स को बेच रहा हूँ समझो मैं बोल रहा हूँ सामने वाले कस्टमर को भाई मेरे पास ये टीवी है, टीवी मस्त चलती है देखो एक बार यूज करके अब आपको पसंद आएगा ये गुड्स ठीक है, तो सामने वाले ने बोला ठीक है मैं ले लूंगा, बट याद रखना गुड्स खराब निकला तो फिर मैं वापस लाके दे सकता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैंने उसको ऑफर दिया भाई तू बिंदास 3 महीने ना इसको यूज कर, 3 महीने में अगर कोई भी खराबी आता है तो मुझे वापस लाके दे सकता है ये टीवी, अगर तुझे नहीं आता है तो बीच में फोन करके बोल देना हाँ भाई एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, सामने वाले ने कस्टमर ने अप्रूव दे दिया हाँ भाई तुम्हारा गुड्स मैं खरीद रहा हूँ। अगर 3 महीने के बाद भी उसने सामने वाले ने कुछ नहीं बोला तो हम एज्यूम कर लेंगे कि सामने वाले गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, अगर इसके बीच में वो रिटर्न लाके देता है तो गुड्स क्या हो जाता है फिर से आ जाता है अपने पास रिटर्न आ जाता है, उसे सेल नहीं माना जाता है ठीक है। इसको बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, जब तक सामने वाला अप्रूव नहीं करेगा उसको सेल नहीं माना जाएगा, अब सेल ही नहीं माना जाएगा तो जीएसटी किधर बोलूं मैं। तो इसमें भी दो चीज होगी, एक तो इनवॉइस दिया होगा और क्या होगा 31 सेक्शन क्या बोलता है, और क्या हो सकता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो जिस दिन तुम्हारा गुड्स रिमूव किया गया है राइट, सामने वाले कस्टमर को दे दिया आज 1/4/2020 को दे दिया समझो, तो रिमूव किया ना, रिमूव से 6 महीना टाइम दिया है, और 6 महीना मतलब जो भी 6 महीना होता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ठीक है, अगस्त सितंबर, तो 1 अक्टूबर को क्या बन जाएगा इसका ड्यू डेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा ड्यू डेट बन जाएगा। तो इनवॉइस डेट एंड ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर, ये आपको क्या करना है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये चीज तो देखो अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, आगे जाके आपको एक्सप्लेनेशन ये सब चीज आप देखोगे तो आपको पूरा वही चीज दिखेगा ठीक है, जैसा मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात किया हमने, फिर नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट जो गुड्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका ये सब इन्होंने क्या किया है डिटेल में इधर बात किया, वही चीज किया है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखो ये चीज लिखा है ठीक है, ये वही अभी हमने बात किया मूवमेंट ऑफ गुड्स का किसको बोलते हैं ठीक है,
ये सब देखो, ये सब हमने अभी रीड किया, कुछ नया नहीं है। देखो कंटिन्यूस सप्लाई किसे बोलते हैं उसके बारे में पढ़ा। कंटिन्यूस सप्लाई किसे बोलेंगे? कंटिन्यूसली और रिकरेंट बेसिस पे होगा। देखो कंटिन्यूस सप्लाई नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में होता है, हम कोई भी चीज सप्लाई करेंगे ऐसा कंटिन्यूस बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जैसे घर पे तुम लोग देखते हो जो वाटर सप्लायर आता है, राइट, टीवी कनेक्शन कंटिन्यूस सप्लाई होता है ना ये सब। देखो इधर एग्जाम्पल दिया, वेदर और बाय मीन्स वायर, केबल, पाइपलाइन, अदर कंडक्ट, तो इसको कंटिन्यूस सप्लाई बोला जाता है, ठीक है। रिकरेंट, रिकरेंट किसके बोला जाएगा? रिकरेंट इधर रिकरेंट और कंटिन्यूस सप्लाई का डिफरेंस है। अगर कोई भी चीज आप वायर से, केबल से, इलेक्ट्रिसिटी, पाइपलाइन, लिक्विड गैस और कोई भी बेल्ट कंसिडर, ये सब इसको कंटिन्यूस सप्लाई बोला जाएगा। और रिकरेंट किसे बोला जाएगा? समझो अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑफिस विद अ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर्म फॉर मिनरल्स वाटर जार और वर वर्किंग फॉर, तो उसे रिकरेंट बोला जाएगा। मतलब कुछ भी बोलो भाई, दोनों भी क्या होता है अपना, ये डेफिनेशन में फॉलो होता है कंटिन्यूस सप्लाई की। तो उसका ड्यू डेट क्या होगा? अभी तो पढ़ा हमने, ड्यू डेट क्या होता है? एक तो डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और क्या था, सिक्स मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं, ये तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे था, इसके लिए था। देखो इसके लिए था गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो गुड सेंट ऑन ऑन सॉरी गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये अगर देखेंगे तो इसमें क्या आएगा? इनवॉइस आएगा और नेक्स्ट क्या आएगा? सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, ये बना। और इसमें क्या आएगा? कंटिन्यूस सप्लाई में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या है? इनवॉइस है और क्या है? अकाउंट स्टेटमेंट जो तुम इशू करोगे या फिर पेमेंट, ये दोनों में से कुछ तो तुम्हारा हर कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होता है, पेमेंट रिसीव किया होगा आपने, सप्लायर हो आप, राइट। ठीक है, चलो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिस्पैच ऑफ गुड्स, मतलब मूवमेंट है गुड्स में, मूवमेंट है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, मूवमेंट है गुड्स में। तो यहाँ पर बोल रहा है, सबसे पहले याद रखना, जब भी ऐसा आ रहा है तुमको पता चल रहा है तो इसका प्रोविजन क्या है? सिंपल प्रोविजन है, एक तो इनवॉइस जो हमने एक्चुअली इशू किया है, डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, और क्या करोगे? ये जैसा डिस्पैच ऑफ गुड्स है ना, तो रिमूवल ऑफ गुड्स यही था ना, मेरे को जहां तक याद है, देखो आप चाहिए तो यही था। देखो मूवमेंट है, डिस्पैच किया गुड्स को बिफोर टाइम, रिमूवल, तो यही है, कुछ नया नहीं, सिंपल है, डरने का नहीं। चलो फर्स्ट क्या बोल रहा है वो, मिस्टर एक्स इन गुजरात गेट्स ऑर्डर फ्रॉम वाई, ऑर्डर मिला उसको वेस्ट बंगाल से, ऑर्डर ये डेट पे मिला फॉर सप्लाई रेफ्रिजरेटर, तो सिर्फ ऑर्डर मिला है ना, इनवॉइस डेट तो नहीं बना ना, रिमूवल बना गुड्स, ठीक है, तो मेरा किधर भी फॉल नहीं हो रहा। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स डिस्पैच द गुड्स फ्रॉम हिज प्रीमाइसेस, हिज ट्रांसपोर्टर प्रीमाइसेस, डिस्पैच किया गुड्स, डिस्पैच का मतलब हो गया रिमूव कर दिया ना गुड्स, यहाँ पर आ रहे, ये डिस्पैच बोल सकते हैं इसको, डिस्पैच का मतलब क्या होता है? गुड्स को निकाल दिया मेरे शॉप से या फिर गोडाउन से, जिधर से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टर इनिशिएट द ट्रांसपोर्टेशन इतना डेट को, ऑन द गुड्स फाइनली रीच टू द प्रीमाइसेस ऑफ एक्स इतना, तो मैंने तो अपने शॉप से डिस्पैच कर दिया, रिमूव हो गया, अब वो ट्रांसपोर्टर के पास है, अभी वो ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है 22 को और डिलीवर कर रहा है 26 को, तो
तो वो मुझे मतलब नहीं है, मेरा इधर यहाँ पर डेट इतना ही लिखा है, डेट ऑफ इनवॉइस और रिमूवल। मुझे ये बताओ डेट ऑफ इनवॉइस तो मेरे को कहीं पर भी दिख नहीं रहा है, बचता है डेट ऑफ रिमूवल। अब डेट ऑफ रिमूवल तो मेरे सामने क्लियरली लिखा है ना, 20 तारीख डेट ऑफ रिमूवल है, तो क्या दिमाग क्या लगाना है इसमें? तो डेट ऑफ रिमूवल ही मेरे लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। समझा? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो यही मेरे लिए क्या, ये मेरा ड्यू डेट है, ये ड्यू डेट है और ये एक्चुअल डेट है। एक्चुअल डेट मेरे को नहीं दिया वैसे इस सब में, तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। देखो डिस्पैच ऑफ गुड्स डिलीवर बाय द सप्लायर, द ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस 20 तारीख, क्योंकि उस टाइम पे डेट क्या हुआ था, रिमूव हुआ था गुड्स, उसी को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। हो गया सिंपल। नेक्स्ट भी क्या बोल रहे, फिर से मिस्टर एक्स ऑर्डर किया 28 को, मेरे को क्या करना है? यहाँ पर कलेक्शन, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स प्रीमाइसेस एंड डिलीवर्स देम, इतना। फिर से वही है, यहाँ पर क्या है ध्यान से देखो, अलग है थोड़ा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये ऑर्डर दिया, सबसे पहले डिलीवरी हुआ। देखो मिस्टर वाई ने क्या किया, वाई के ट्रांसपोर्टर ने डिलीवरी लिया गुड्स का फ्रॉम एक्स 21 से, और गुड्स डिलीवर हुआ, तो इनडायरेक्टली या मैं बेचू या फिर वो आके लेकर जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं। मेरे शॉप से कब निकला वो, 21 तारीख को निकल गया, तो ये बना मेरे लिए क्या, फिर से डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाएगा इसको, फिर से टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर मेन आपको देखना क्या है, रिमूव कब हुआ, क्योंकि इनवॉइस डेट तो नहीं है, रिमूवल डेट देखा जाएगा और कैलकुलेशन। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या बोलता है मिस्टर राम, क्या बोल रहा है, राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम, वेरी गुड, 5 लाख का गुड्स बेचा, इनवॉइस का डेट, वेरी वेरी गुड। चलो यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस तो मिल गया अपने को, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज का एक सिंपल फॉर्मूला, डेट ऑफ इनवॉइस कितना, 15 नवंबर, चलो 15 नवंबर, ज्यादा कुछ नहीं, 15 नवंबर, ठीक है। द पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 30, देखो पेमेंट जो है, पेमेंट अभी मिला 30 नवंबर को, ठीक है। द गुड्स आर सप्लाई 20 नवंबर, फाइंड द डेट, सप्लाई किया गया, सप्लाई मतलब इनडायरेक्टली रिमूव किया गया गुड्स को, रिमूव किया, सप्लाई किया, डिलीवर किया, जो बोलना है बोलो, कभी किया, 20 नवंबर। देखो ये बताओ प्रोविजन क्या है मेरा, पेमेंट लेते हैं क्या हम, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 क्या बोलता है, पेमेंट को इग्नोर करो, तो इसको मैं इग्नोर करूंगा। बचता क्या है फिर, ये और ये, तो इसमें से विच एवर इज अर्लियर कौन सा बना, यही बना विच एवर इज अर्लियर, राइट। सेम इसमें भी मूवमेंट ऑफ गुड्स मान के चलो, इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स, सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग में देखो। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन सप्लाई, अगर दम है तो निकाल के दिखाओ सप्लाई, और आगे क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स है। मूवमेंट ऑफ गुड्स जैसे ही बोलते हैं दिमाग में एक ही चीज लेके आने का, डेट ऑफ इनवॉइस आ गया और ड्यू डेट, ड्यू डेट यहाँ पर किसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ गुड्स, राइट। मूवमेंट है ना, रिमूवल जब करोगे तभी ड्यू डेट माना जाएगा। चलो तो डेट ऑफ इनवॉइस देखो, यहाँ पर डेट ऑफ रिमूवल दिया है, डेट ऑफ इनवॉइस दिया है, व्हेन द गुड्स अवेलेबल फॉर द रिसिपिएंट, अवेलेबल बात कर रहे हैं, बट अपना रिमूवल इधर है, रिसिप्ट पेमेंट, पेमेंट की बात कर रहे हैं। देखो ये बताओ, जब वो मेरे लिए डेट ऑफ इनवॉइस मैटर करता है, रिमूवल डेट मैटर करता है, तो ये मेरे लिए मैटर करेगा क्या, ये मेरे लिए कुछ नहीं मैटर करता है, कुछ मेरे को बस ये दो को ही देखना है, क्योंकि डेट ऑफ रिमूवल इधर है और डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पर, ये दोनों में कोई भी अर्लियर होगा वही मेरे लिए डेट ऑफ डेट बनेगा। सॉल्यूशन में देखो, उन्होंने फिर से पूरा टेबल को लाइन से लिख दिया और यहाँ पर मेन टाइम ऑफ सप्लाई बता रहे हो, क्या बता रहे, टाइम ऑफ सप्लाई बता रहे हो। अब टाइम ऑफ सप्लाई में फर्स्ट क्या है, दिस एंड दिस, विच एवर इज अर्लियर, ये बच्चा ही बता देगा आपको, जो जैन फेब मार्च अप्रैल सीख रहा है बचपन में, ठीक है। कौन सा पहले आता है इसमें, वन आता है, तो फर्स्ट बना अपना ड्यू डेट, सेकेंड इसमें से अर्लियर कौन सा है, ये दिख रहा है, ये भी बना फिर से ड्यू डेट, सॉरी ड्यू डेट बोलता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई, और दोनों में से सेम आ रहा है, ले लो कोई भी, सेम ही तो है अपने को,
रीजन क्या है? सिंपल चीज है, बहुत हार्ड नहीं है, डरो मत कुछ, ठीक है? ये पढ़ लो एक बार, समझ जाओगे। मैंने आपको प्रोविजन बता दिया ऊपर से, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान दोगे ना, ये क्वेश्चन इतना देर से हम किसके बारे में बात कर रहे थे? मूवमेंट ऑफ गुड्स के बारे में बात कर रहे थे। ये भी मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर ही बात किया, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है? मूवमेंट जो होगा तो कौन से फॉर्मूला यूज करना है अपने को, वो चीज आया। अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे आप, मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट, मशीन सप्लाई साइट पे भेजना है। सप्लाइड मतलब भेज दिया है, ठीक है? इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम द वेंडर, असेंबलिंग मशीन एट साइट, असेंबल मशीन एट साइट। याद रखना ये असेंबलिंग का काम है, बड़ा मशीनरी है, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे इसे नॉन मूवेबल बोलते हैं, नॉन मूवेबल गुड्स बोलते हैं, नॉन मूवेबल सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक है? सप्लाई बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे नॉन मूवेबल सप्लाई में फॉर्मूला क्या है अपना, याद रखो। देखो जब भी आप कोई भी गुड्स के रिलेटेड करोगे तो सबसे पहला ड्यू डेट क्या लेने का, डेट ऑफ इनवॉइस फिक्स है। सेकंड क्या है, सेक्शन 31 क्या बोलता है, किसके लिए, बट ये नॉन मूवेबल का क्या है, देखो ऊपर जाके हम देख के आते हैं। वेरी गुड, क्या बोला है उसने, नॉन मूवेबल में बिफोर और, राइट है ना, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर मेक अवेलेबल टू द रिसिपियंट, गुड्स मेक अवेलेबल टू द रिसिपियंट। मतलब मैं इधर लिख सकता हूँ, कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, देखो नॉन मूवेबल है ना, इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, इसके जगह पे कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, ठीक है? या फिर मेक अवेलेबल टू द रिसिपियंट, मेक अवेलेबल कौन से दिन अवेलेबल करवा रहा हो हम रिसिपियंट को, मतलब वो गुड्स को अवेलेबल करवा रहे हैं, मशीन दे रहे हैं हम लोग, राइट? इसमें ये क्वेश्चन, तो ये सी अडैप्टेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो फर्स्ट क्या है, इधर 17/9/2020 में परचेस ऑर्डर विद एन एडवांस ऑफ 50,000, एडवांस अगर 50,000, याद रखना एडवांस का कोई खेल ही नहीं गुड्स में, इग्नोर किया जाता है। रिसीव्ड वर्थ ₹12 लाख एंड एंट्री ड्यूली मेड टू द सेलर बुक ऑफ अकाउंट। जब मैं पेमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ तो ये सब चीज मेरे लिए इरेलेवेंट बन जाती है, पेमेंट मेरे लिए है ही नहीं। नोटिफिकेशन यहाँ पर नोटिफिकेशन 66/2017 के हिसाब से इसको हटा दिया गया है, पर फिर भी नहीं समझता, यह पढ़ो अच्छे से, ठीक है? ये नोटिफिकेशन से हटा दिया तो हम पेमेंट को कंसिडर करने ही नहीं वाले, ठीक है? तो हम क्या देखेंगे, एक तो अपने को एक्चुअल डेट ऑफ सप्लाई चाहिए, हमको ये वाला चाहिए इनवॉइस, एंड सेकंड सेक्शन 3 के हिसाब से ये डेट आना चाहिए। तो सेकंड क्या पॉइंट बना मेरा, सेकंड 20 अक्टूबर को द मशीन इज असेंबल्ड टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, मशीन को असेंबल किया, टेस्ट किया साइट पे और बायर को बता दिया और बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिया। देखो कोई भी आप टीवी खरीदते हो, कंप्यूटर खरीदते हो, कुछ भी खरीदो, कोई चीज का इंस्टॉलेशन होता है, राइट? वो आके आपको क्या करता है, डेमो प्रेजेंट करता है, वो यूज कैसा करना चाहिए उसको बताता है, क्या क्या चीज लगना चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन देके जाता है, राइट? वो सब चीज होने के बाद गुड्स आपको दिया जाता है, उसके बाद आपको कहा जाता है कि यूज करो। तो इसको बोलते हैं गुड्स को अवेलेबल करवाना सामने वाले को, सामने, तो ये अवेलेबल हो, इससे आपको पता नहीं चलता है कि ये अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर मशीन को मैंने असेंबल किया, टेस्ट किया, साइट पे एक्सेप्ट किया वायर ने, तो ये डेट मेरे लिए मैटर करता है। ये डेट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा मेक अवेलेबल, ठीक है? तो ये डेट बना मेरे लिए 20/10/2020, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है 23/10 इनवॉइस रेस। अरे वाह, मेरे को यही चाहिए था डेट, इनवॉइस मिल गया ना अभी, इनवॉइस कभी हुआ 23/10/2020। देखो ये मिल गया, ये मिल गया, आगे क्या है, 4 तारीख को बैलेंस पेमेंट रिसीव। यार पेमेंट की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो मैं क्यों तुम्हें कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे ये बताओ विच एवर इज अर्लियर क्या होगा, इसमें विच एवर इज अर्लियर क्या होगा, ये दिख रहा है या ये दिख रहा है? मुझे तो मेरी नजरों में तो यही दिख रहा है, ऑब्वियसली वही होगा, और क्या होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है सॉल्यूशन में,
और टाइम ऑफ सप्लाई किधर बोला है मुझे पता नहीं, ये बना, ये देखो इधर डार्क में मस्त लिखा है इन्होंने, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर अर्लियर ऑफ द अबाउट टू डेज, बना ना टाइम ऑफ सप्लाई, तो यही बना। चलो अब बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई की। कंटिन्यूस सप्लाई में फॉर्मूला क्या था अपना, कंटिन्यूस सप्लाई में फॉर्मूला क्या था, कंटिन्यूस सप्लाई बोल रहा था, एक ही फॉर्मूला था उसके पास, देखो सॉरी, वो बोल रहा था डेट ऑफ इनवॉइस लेके आ, ठीक है, और या फिर तू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अकाउंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, चल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यही था ये सर, कहां से मालूम पड़ा आपको, ये तीन विच एवर इज अर्लियर था राइट सर, एक बार ऊपर देख के आते हैं ना हम लोग, कोई याद नहीं है तो देखो क्या बोल रहा था, वेयर द सक्सेसिव पेमेंट मतलब डेट ऑफ इनवॉइस और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर सक्सेसिव पेमेंट, ये चीज को देखा जाएगा। चलो यहाँ पर अभी मूवमेंट नॉन मूवमेंट नहीं देखा जाएगा, अभी कंटिन्यूस सप्लाई राइट है, कंटिन्यूस सप्लाई नॉर्मली वो मूवमेंट वाला ही होगा, तो देखते गुड्स का कंटिन्यूस सप्लाई। इनवॉइस डेट है इधर, इनवॉइस डेट मानो ये इनवॉइस डेट अपना, इनवॉइस डेट बना ये वाला 1/12/19, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल मेरे को इससे काम है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूस सप्लाई वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूस सप्लाई में डेट ऑफ रिमूवल आता ही नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है ना मेरे पास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ठीक है, एंड डेट ऑफ रिसिपिएंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये भी है मेरे पास ठीक है। अब तुम मुझे बताओ विच एवर इज अर्लियर क्या बनेगा इसमें, अर्लियर ऑब्वियसली ये बनेगा, तो ये बन गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21, ठीक है फिर से रफ कर देता हूं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 1 2020, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या बोल रहा है 5/1/2020, रिसिप्ट क्या बोलता है 10/2/2020, बताओ मुझे क्या है, ये डेट तो चला गया, ये दोनों में से पहले ये बनता है तो बन गया वही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल चीज है ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जब भी ऐसा आता है क्वेश्चन आप पहले सिनेरियो में जाओ, डेट ऑफ इनवॉइस अपना फिक्स है उसको कोई हटा नहीं सकता है, और सेक्शन 31, सेक्शन 31 किसके रिलेटेड, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस ठीक है, अप्रूवल बेसिस। अब गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में okay, ठीक है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में मुझे क्या देखना है, क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, हमने वो टेबल पढ़ा था कहीं, तो देखो अप्रूवल बेसिस में याद रखना 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, इसमें हमें क्या देखना है 6 months फ्रॉम रिमूवल डेट ठीक है, ये मेरे लिए बड़ी बात है, ये क्वेश्चन आएगा तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ पे ये आना चाहिए और यहाँ पे ये डेट, विच एवर इज अर्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का, चलो डेट ऑफ रिमूवल मैटर करेगा क्या, हाँ सर मैटर तो करता है क्योंकि रिमूवल तो है इधर राइट है, तो ये मेरे लिए मैटर करेगा, ये मैटर करेगा मेरे। नेक्स्ट इश्यू ऑफ इनवॉइस ये तो हमेशा मैटर करता है सर, ये है ना यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय द रिसिपिएंट ठीक है। सुनो और एक चीज है इसके अंदर, मैंने ध्यान नहीं दिया, याद रखना ये वाला, देखो यहाँ पर ये 6 months तो दिया ही है ठीक है, बट 6 months तो दिया है बट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई भी है ठीक है, सप्लाई, तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ,
और सप्लाई टाइम। सप्लाई मतलब जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन सप्लाई मांग नहीं गए, एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने गुड्स को एक्सेप्ट कर दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा। तो ये तीन डेट, ठीक है, तो मेरे लिए ये तीनों डेट मैटर करता है, ये पेमेंट डेट मेरे लिए नहीं मैटर करता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला रिमूवल डेट। रिमूवल का यहाँ पर आ गया 1/12/19, उसके बाद इनवॉइस डेट है 15/12/19, उसके बाद है 5/12/19। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से सबसे पहला कौन दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो हाँ, तो हमने एक गलती किया है यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली ये डेट लिख दिया है। रिमूवल डेट क्या है? मेरा क्या गलती हुआ, मैंने डायरेक्टली ये डेट लिख दिया यहाँ पर, लिखना चाहिए था मुझे सर नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस 6 मंथ का वैल्यू क्या रहा फिर? मैंने क्या कहा है यहाँ पर, जब भी आप सेल करोगे तो उसका 6 महीने के आगे वाला डेट को आपको कंसिडर करना है, 6 महीने के आगे वाला। तब मेरे को ये बताओ, ये दिसंबर है, दिसंबर 1 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई बना मतलब 1 मई 2020 ये बना डेट, तो उसके दूसरे दिन मतलब 2 मई 2020 क्या बनेगा अपना, ये डेट ऑफ, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ये डेट नहीं देखना है, उसके बदले 6 मंथ आफ्टर वाला डेट देखना है, जब रिमूवल होगा आपका गुड्स ये तारीख को, तो उसके ठीक है, जब रिमूवल होगा गुड्स आपके तो उसके 6 मंथ के बाद वाला डेट पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डेट माना जाएगा सेक्शन 31 के हिसाब से, और ये एक डेट। तो अब मुझे बताओ ये सब के बीच में आपको कौन सा डेट ऐसा लग रहा है कि पहले है, अर्लियर है? ऑब्वियसली मुझे ये वाला डेट अर्लियर दिख रहा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन में फर्स्ट जो बना अपना सोल्यूशन वो बना है ये वाला डेट। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट ये रिमूवल डेट है। ठीक है, अब रिमूवल डेट क्यों काम में आता है आपको पता ही है, रिमूवल डेट क्यों काम में आता है अपना, रिमूवल डेट कब काम में आता है, जे पहचानने में। तो यहाँ पर देखो मैंने निकाल के रखा है ये वाला डेट, नेक्स्ट 25th इनवॉइस का, 25th इनवॉइस मतलब ये बना, 26th क्या बना ये बना, 25th क्या बना ये बना। ठीक है, इसके बाद रिसिपिएंट, एक्सेप्टेड बाय द रिसिपिएंट का भी है, यहाँ पर चेंज है डेट, यहाँ पर 25th 7 2020 बना। ठीक है, तो मुझे ये बताइए अब इन तीनों में से कौन सा डेट बनेगा, पहला ये तो जुलाई का, ये भी जुलाई का, ये मई का है, तो ये बनेगा मेरे लिए इस बार, सॉरी मई है, एक बार फिर से दिसंबर, 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 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके मई का पूरा मंथ जाएगा, तो 1 दिसंबर है ना, 1 दिसंबर से 1 जन पूरा मई का मंथ जाएगा, और ये जून बन जाएगा, सॉरी ये गलती हुई मेरे से, ये 2nd महीने रहेगा, ये जून रहेगा, क्योंकि पूरा 6 महीने होने के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसको बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 1 दिसंबर से लेके 2019 था, तो 1 जन 2019 ऐसा करके मुझे 6 मंथ जाना है, तो आएगा तब आपका 1 जून 2020, समझा? तो ऐसा करके उसका दूसरा दिन हम कंसिडर करेंगे। तो ये बना ये क्वेश्चन,
और भी है, देख लो आप, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल है। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए उसके रिलेटेड, एक बार देख लो, ठीक है। अब हमारा फॉरवर्ड चार्ज हो चुका है, अब हम देखेंगे रिवर्स चार्ज। देखो हमने अभी तक जो किया गुड्स के रिलेटेड जो फॉरवर्ड चार्ज में आता है, बहुत ही मेरे तरफ से समझा दिया मैंने, आप एक बार देख लो आपको समझ में आएगा। अब रिवर्स चार्ज में अगर आप पे करते होंगे तब तो, मतलब मैं कौन हूँ यहाँ पर, मैं सप्लायर हूँ और कोई एक रिसिपियंट है, तो लाइबिलिटी किसके है यहाँ पर अभी, रिसिपियंट की है। तो रिसिपियंट जब टैक्स पे करेगा तो उसकी लाइबिलिटी टैक्स पे करने की कब आएगी वो देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे सप्लायर के ऊपर था ये टाइम ऑफ सप्लाई, अब यहाँ पर रिसिपियंट के ऊपर होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर सिंपल चीज दिया है, ये एक बार रीड करो, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच गुड्स विल अर्लीस्ट का यहाँ पर अच्छे से इन्होंने बोल दिया है। सबसे पहला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब फर्स्ट जो है अपना टाइम ऑफ सप्लाई कैसा माना जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। फर्स्ट आया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन गुड्स आपके हाथ में मिला, क्योंकि अपन कौन है अभी, रिसिपियंट है, ठीक है। ये डेट को लिखो इधर सामने। नेक्स्ट क्या है, और डेट ऑन विच द पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और रिसिप्ट रिसिपियंट द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन अर्लियर, मतलब सेकेंड जो बात कर रहे हैं वो पेमेंट का बात कर रहे हैं, पेमेंट। बट पेमेंट भी कैसा, दो पेमेंट रिसिपियंट पे करेगा ना राइट सप्लायर को, तो उस टाइम पे याद रखना कि पेमेंट जब रिसिपियंट करेगा सप्लायर को, वो खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा होगा उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में, या फिर डेट ऑन विच द उसके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए होंगे राइट। अभी पे कर रहा है वो, चेक दिया, समझो चेक दिया, आज चेक दे दिया उसने सप्लायर को, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आज एंट्री करेगा वो, आगे जाके तीन चार दिन में वो सामने वाले चेक ने बैंक में डाल के पैसा कलेक्ट कर लिया, तो बैंक में मेरे तीन चार दिन के बाद डेबिट हो रहा है। तो बैंक में जिस दिन डेबिट होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एंट्री करोगे, ठीक है, ये दोनों डेट का अर्लियर डेट जो भी आएगा वो यहाँ पर लिख देगा, समझा, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डेट इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट। तो थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वो बोलना चाहता है थर्ड पॉइंट में, आप डेट ऑफ इनवॉइस जब इशू करोगे, डेट ऑफ इनवॉइस या फिर कोई उसके जैसा डॉक्यूमेंट, उसके 30 डेज के बाद जो डेट आएगा, ठीक है, वो डेट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 30 डेज मतलब डेट ऑफ इनवॉइस में 30 दिन ऐड कर देना, तो जो डेट आएगा वो डेट, ठीक है। ऐसा करके आपका विचेवर इज अर्लियर बनेगा। और आगे एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा है वो, हाउएवर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई देन द टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपियंट। अगर फिर भी आपको ये तीनों में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला है, रिसिपियंट के अकाउंट में यहाँ पर क्या, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्टेन मैनर देन द टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ एंट्री, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किया गया है, ठीक है, रिलेटिंग टू दिस सप्लाई, वो डेट को क्या करो, कंसिडर कर लो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ये सिर्फ नोट है, ये चीजों में नहीं आंसर आई तो ये नोट यूज कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको भी, ठीक है। एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, एक मैं कर लेता हूं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। मिस्टर एक्स कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट है, कौन है मिस्टर एक्स, एग्रीकल्चरिस्ट है, रॉ कॉटन अंडर रिवर्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्लियर बोल दिया। हु इज मैन्युफैक्चर कॉटन शर्ट,
टर्नआउट्स ठीक है। फर्स्ट बोलता है, डेट दिया है 1/4/2020। मिस्टर वाई अप्रोचेस मिस्टर एक्स एंड प्लेस एन ऑर्डर टू टर्म। मेरे को बताओ कहीं पर भी ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर है क्या? तो मेरे लिए ऑर्डर प्लेस करना मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड गुड्स। देखो रिसीव्ड गुड्स, अभी रिसीव गुड्स मतलब इधर आता है ना ये डेट, ये मैटर करता है ना, रिसिप्ट ऑफ गुड्स डेट। तो ये डेट मैं यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है, ये डेट मैं लिख देता हूँ 10/4/2020। नेक्स्ट ऑन 15/4 इशू इनवॉइस। देखो कौन सा डेट है, 15/4/2020 को डेट ऑफ इनवॉइस इशू किया, प्लस इसमें 30 दिन ऐड कर दो, जो भी डेट आएगा वो यहां पर लिख देना, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या डेट आने वाला है वहां पे, फिर मेरे हिसाब से ये अगला मंथ के 15th, समझो 15th है, तो एक मंथ आगे जाओगे तो क्या बनेगा वो, 15th के जगह 16 बन जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 2020, एक मंथ एग्जैक्टली जा रहा हूँ, 30 दिन होता है, जो भी डेट ये अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है, 24/2020 मिस्टर वाई का पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब पेमेंट जब किया तो चेक से पेमेंट किया, उसी दिन क्या किया उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो ये डेट कौन सा है भाई, ये बना डेट तुम्हारा 24/2020, ठीक है, ये डायरेक्टली बाहर नहीं लिखूंगा, विच वाज अर्लियर चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्या है, 25th में पेमेंट्स गेट डेबिटेड, कभी इधर हुआ 25/4/2020 में पेमेंट डेबिट हुआ, तो मेरे को बताओ इसमें से अर्लियर कौन सा है, अर्लियर जो है मुझे तो ये दिखाई दे रहा है 24/2020, तो बताओ ये सब में से ये, तो ये कंडीशन तो तब आएगा जब किसी में मुझे आंसर नहीं आ रहा, तब इसको कंसिडर किया जाएगा, अभी तो फिलहाल इसको ध्यान नहीं देने का, ठीक है। ये नोट बना था ना उनका, हमने नहीं किया था, नोट बना के दिया था उन्होंने अलग से, तो मुझे बताइए ये सब में से आपको कौन सा जल्दी दिख रहा है, मुझे तो ये ऊपर वाला दिख रहा है, तो यस योर आंसर इज राइट, हम उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। ये सम्स आप सॉल्व कर लेना, एक तो आपको भी चाहिए ना होमवर्क। वाउचर, दो टाइप के वाउचर्स होते हैं, वाउचर मतलब आपको ही पता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, पेंटालून में वाउचर मिलता है राइट, वो वाउचर से हम लोग जाके आगे जाके फ्यूचर में शॉपिंग करने से आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है, या फिर उतना अमाउंट से कम हो जाता है जितने का वाउचर होगा, वैसे तो दो टाइप के वाउचर होते हैं, फॉर नॉलेज मतलब फॉर योर MCQs, एक तो सिंगल पर्पस वाउचर होते हैं, ठीक है, और सेकेंड जनरल पर्पस वाउचर होते हैं, जनरल पर्पस। अगर मैंने बोल दिया एक वाउचर में मैं 1,000 रुपये दे दूँ आपको, वो आप कहीं पर भी जाके यूज कर सकते हो, कोई भी गुड्स खरीदने के लिए यूज कर सकते हो, जैसा आप बिग बाजार ने आपको क्या किया, बिग बाजार ने आपको एक जनरल पर्पस वाउचर दे दिया 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये को आप चाहिए शैम्पू खरीद लीजिए, 1,000 रुपये आप चाहिए राशन भर लीजिए अपने अकाउंट में, या आप कपड़े खरीदे, कोई कुछ नहीं बोलने वाला आपको, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस वाउचर, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस वाउचर वो होता है कि अगर आपको मिल गया 50 रुपये का वाउचर मिला, और ये सिर्फ रिचार्ज के लिए, और वो भी एयरटेल या जियो मोबाइल के रिचार्ज के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब ऐसे वाउचर सिर्फ उसी से रिडीम होते, उसे बोलते हैं सिंगल पर्पस वाउचर, ठीक है। तो याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सबसे, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना आपको, ये तो मैंने जनरल स्पेसिफिक बता दिया आपको, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड किया जाएगा, देखो क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर, देखो दिख रहा है, ठीक है, जनरल पर्पस जब होता है, देखो स्पेसिफिक मैंने क्या बोला, स्पेसिफिक जो होता है एक डेट फिक्स होता है, आपको 31 मार्च 2021 तक आपको ये वाउचर वैलिड है, अगर ये भी रिचार्ज के लिए वैलिड है, तो आपको डेट पता होता है कौन से डेट में आपको इसका वैलिडिटी खत्म होने वाली है, या फिर कौन से डेट तक इसका
तो आपको पता होता है कौन से डेट पर इसका वैलिडिटी खत्म होगी, तो पहले से अंदाजा होता है। तो उस टाइम पे आपको टाइम सप्लाई के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए डेट कौन सा लेना है वाउचर के टाइम पे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। जिस दिन आप वाउचर इशू करेंगे उसी डेट दिन को आपको टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जनरल पर्पस वाउचर में आपको नहीं पता होगा ये गुड्स किसके लिए यूज होने वाले, कैसे यूज होने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको कौन सा डेट लेना है, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, मतलब जिस दिन वो वाउचर को कस्टमर आके रिडीम करेगा उस दिन उसका डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल पर्पस के लिए जो होता है वाउचर उसमें डेट ऑफ इनवॉइस सॉरी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर ले लेना, स्पेसिफिक पर्पस उसमें डेट तुमको पता होगा। और फॉर जनरल पर्पस के लिए जिसमें आपको डेट या फिर या प्रोडक्ट कौन सा खरीदने वाला है अनोन है, वैसे टाइम पे आप डेट ऑफ रिडम्पशन लेना जिस दिन वो रिडीम करेगा। ये इलस्ट्रेशन है सीए वाला है, एक बार देख लेना कि किसको वाउचर बोलते और किसको वाउचर नहीं बोलते उसके बारे में। इधर एक ही जगह वाउचर है बाकी सब नॉन वाउचर है, पढ़ लेना एक बार थ्योरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर सोडाक्सो सेल्स कूपन टू कंपनी विच गिव्स द एम्प्लॉय अ पार्ट ऑफ एग्रीड परक्यूसेट, द कूपन्स आर रिडीम फॉर द परचेस ऑफ आइटम ऑफ फूड प्रोविजन इन द आउटलेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। मतलब वो वाउचर वो कूपन्स जो है वो कोई भी फूड आइटम खा सकते हो या ले सकते हो, खरीद सकते हो, उसके लिए बनना है। तो इसको ऐसे टाइप के लिए जनरल पर्पस बोला जाता है, और जनरल पर्पस में अपने को हमेशा डेट ऑफ रिडम्पशन को क्या किया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सेकंड में अब देखोगे कि कोई तो वी परचेस केक, बड़ा केक लिया है, ठीक है, क्रिसमस के लिए परफेक्ट केक, वन कैन बाय अ वाउचर ऑफ 20 विद अ रिडीमेबल 5। मतलब अपने को डेट पता है इधर वाउचर, और स्पेसिफिक है केक के लिए, आगे जाके केक के लिए केक स्मॉल केक खरीद सकते हो, ठीक है। ऐसे नाम पे सिंगल पर्पस है एंड डेट ऑफ इसे कहा जाएगा, ठीक है। रेसिडुअल कैटेगरी में अगर आपने इतना देर से पढ़ा, क्या पढ़ा, फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा, रिवर्स चार्ज पढ़ा, उसके बाद में क्या देख रहे थे अभी, वाउचर्स पढ़े, ये सब कैटेगरी में आपका किधर भी फॉल नहीं हो रहा है तो उसको रेसिडुअल कैटेगरी दिया जाता है। रेसिडुअल में आप एंट्री कर दो, जैसे कि यहां पर लिखा है If your situation is not covered by the above provisions, discuss the time of supply fixed under. तो ऐसे टाइम पे ये दो डेट देख के आपको एंट्री मारना है। फर्स्ट क्या है, ड्यू डेट, आप जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे आपका GST periodical returns फाइल करोगे उस दिन वो डेट को कंसिडर करके आप क्या मानोगे, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर ऊपर वाले कोई भी केस में फॉल नहीं हो रहे हो तो, और एनी अदर केस, समझो GST रिटर्न भी आपका फाइल नहीं होता भाई, तो जिस दिन आप GST मतलब टैक्स भरोगे उसी दिन उसको डेट माना जाएगा। अब ये सर ये कौन सा केस आता है, मतलब मैं GST का टाइम ऑफ सप्लाई भी डिसाइड करने जो, और अपने को ये भी नहीं पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, GST पे करने जो और टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया वो रीड करो आपको समझ में आएगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, सप्लायर पकड़ा गया, वो नॉन रजिस्टर्ड था, रजिस्टर नहीं है तो GST रिटर्न की बात ही नहीं आती है। तो एविडेंस मिला, पता चला कि उसने बहुत सारे सप्लाईज छुपा के रखे थे, सप्लायर को बोला गया भाई तू पे नहीं कर रहा है टैक्स, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो बता तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका। ऑब्वियसली वो टैक्स पे करने बोलेगा उसको, अनरजिस्टर्ड है तो क्या हुआ, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा ब्लैक मनी पे। तो उस टाइम पे वही टैक्स डेट पे क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना टाइम ऑफ सप्लाई इंटरेस्ट। देखो सिंपल एक चीज बोलता हूँ, 10,000 का मैंने सप्लाई किया है, ठीक है, और कंडीशन रिसिपियंट के ऊपर है भाई पेमेंट कर दे 10,000 का, कब तक कर, चल मैं तेको डेट आओ अगले 10 दिन अगर 30 डेज में तुमको पेमेंट कर देना है, क्रेडिट पीरियड है, ठीक है। अगर वो बंदे ने 30 पीरियड डेज में नहीं करता है तो आगे हर एक दिन मैं 100 रुपये चार्ज करूंगा एज अ क्या, लेट फीस या इंटरेस्ट बोलेंगे, राइट है। तो ये 100 रुपए जो है ये तो देखो ये जो सेल ऑफ सप्लाई अप्लाई ये तो हम पढ़ ही रहे, वैसे ये सब दूसरे टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन में कवर हो जाएंगे, बट इसका क्या जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो कौन क्या करेगा, पे करेगा। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो 100 है वो एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट है, फीस है, वो लेट फीस है। तो ये 100 का जो है टाइम
क्या होगा, डेट ऑन विच द सप्लाई रिसीव द एडिशन द वैल्यू। तो जिस दिन आपको वो 100 रुपए मिलता है, सामने वाला जिस दिन पे करेगा उसी दिन उसका क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो सम्स पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये पढ़ोगे तो अच्छे से क्या लिखा है, 60 डेज बियॉन्ड विच द लेट पेमेंट चार्ज, 10,000 का लेट पेमेंट है टू बी पेड बाय द मिस्टर वाई, और मिस्टर वाई ने पेड किया 5 लाख, ऊपर वाला नॉर्मल फीस तो पे किया और प्लस लेट फीस भी पे किया ये डेट पे, तो लेट फीस जो है वो ये डेट ही आएगा और बाकी नॉर्मल जो है नॉर्मल रूल लगा के आ जाएगा, नॉर्मल सप्लाई जो होता है ये दो डेट है, तो बस ये लेट फीस इसके बारे में। अब आगे जो है टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, आई होप आपको टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स आपको समझा होगा, अगर समझता है तो प्लीज कमेंट करना और मुझे बताना आप कितना समझ में आ रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किसी को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अगला लेक्चर के लिए वेट करना, मैं बहुत पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये लेक्चर आपको डालता रहूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो तब तक प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, प्लीज सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। चलो थैंक्स, बाय।